इसलिए सरकार इनके दाम कम नहीं कर सकती है। लेकिन सरकार एक काम जरूर कर सकती है, पेट्रोल की जगह कोई ऐसा ईंधन का इस्तेमाल शुरू कर दे जो काफ़ी सस्ता हो। पेट्रोल की जगह अब एथेनॉल लेगा, ये ईंधन है एथेनॉल। सरकार अगले 8-10 दिनों में फ्लेक्स फ्यूल इंजन पर बड़ा फैसला लेने जा रही है। ऐसे इंजन को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए अनिवार्य बनाया गया है। फ्लेक्स फ्यूल का मतलब है यानी एक ऐसा ईंधन जो पेट्रोल की जगह ले, और वो है एथेनॉल। सड़क पर और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि इस वैकल्पिक ईंधन की कीमत 60 और 62 रुपये प्रति लीटर होगी, जबकि पेट्रोल कीमत आज 100 रुपये प्रति लीटर से भी ज़्यादा है। इसलिए एथेनॉल के इस्तेमाल से देश के लोग प्रति लीटर 30-35 रुपये की बचत कर पाएंगे। फ्लेक्स फ्यूल इंजन बनेगा अनिवार्य। आपको बता दें, एक इवेंट में नितिन गडकरी ने कहा है कि मैं परिवहन मंत्री हूं और मैं इंडस्ट्री को एक आदेश जारी करने जा रहा हूं कि केवल पेट्रोल इंजन नहीं होंगे, फ्लेक्स फ्यूल इंजन भी होंगे, जहां लोगों के लिए विकल्प होगा कि वे 100% कच्चे तेल का उपयोग करें या फिर 100% एथेनॉल का इस्तेमाल कर सकें। उन्होंने कहा है कि मैं अगले 8-10 दिन में फैसला लेने जा रहा हूं। हम फ्लेक्स फ्यूल इंजन को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए अनिवार्य बनाने जा रहे हैं। कई देशों में बनते हैं फ्लेक्स फ्यूल इंजन। नितिन गडकरी का कहना है कि ब्राज़ील, कनाडा और अमेरिका में ऑटोमोबाइल कंपनियां फ्लेक्स फ्यूल इंजन का उत्पादन कर रहे हैं। इन देशों में ग्राहकों को 100% पेट्रोल या 110% बायो एथेनॉल का विकल्प मुहैया करवाया जा रहा है। नितिन गडकरी ने कहा है कि मौजूदा वक्त में प्रति लीटर पेट्रोल में 8.5% एथेनॉल मिलाया जाता है, जो कि 2014 में 1 से 1.5% हुआ करता था। एथेनॉल की खरीदारी भी 38 करोड़ लीटर से बढ़कर 320 करोड़ लीटर पहुंच गई है। पेट्रोल से कहीं बेहतर है एथेनॉल फ्यूल। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गडकरी का कहना है कि एथेनॉल पेट्रोल से कहीं बेहतर ईंधन है। यह कम लागत वाला, प्रदूषण मुक्त और स्वदेशी है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाला कदम है, क्योंकि हमारे देश में मकई, चीनी और गेहूं सरप्लस है। इनको खदानों में रखने के लिए हमारे पास जगह नहीं है, यह देखते हुए खदान का सरप्लस समस्या पैदा कर रहा है। हमारी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य अंतर्राष्ट्रीय कीमतों और घरेलू बाजार की कीमतों से अधिक है। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि खादान और गन्ने का उपयोग करके एथेनॉल का जूस बना सकते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि प्रदूषण में कटौती और इम्पोर्ट पर निर्भरता को कम करने के लिए पेट्रोल के साथ 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का हासिल करने का लक्ष्य 2025 तक कर दिया गया है। सरकार ने पिछले साल 2022 तक पेट्रोल में 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग और 2030 तक 20% डोपिंग करने का लक्ष्य भी रखा था। सरकार ने लक्ष्य रखा है कि लोग इस समय जो महंगाई से जूझ रहे हैं उनको निजात दिलाया जाए। आज महंगाई की वजह से सब कुछ देश में अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा हुआ है। ट्रांसपोर्ट महंगे हो गए हैं, लोगों की जीवन यापन कठिनाई से गुजर रही है। कई ऐसी जगह पर हैं जहाँ महंगाई की वजह से लोग कि कमर टूट चुकी है, और इस महंगाई को लेकर विपक्ष भी बहुत ही ज़्यादा कारण से हमलावर हो चुका है, सरकार को घेर रहा है। जगह जगह धरने दिए जा रहे हैं, जगह जगह स्ट्राइक चल रही है, और ऐसे में तेल की कीमतें भी और बढ़ गई हैं, तो जाहिर सी बात है विपक्ष का हावी होना लाजमी है। ये हर सरकार में ऐसा होता है कि जब महंगाई बढ़ती है तो विपक्ष जो है एक्शन में आता है। आज भी विपक्ष एक्शन में है, लेकिन अगर मोदी सरकार का ये फैसला जो मोदी सरकार ने तेल पर लिया है कि तेल कीमत आज जो 100 रुपये लीटर है, अगर 60 रुपये प्रति लीटर हो जाती है तो ये विपक्ष के मुंह पर करारा तमाचा होगा। विपक्ष के पास कुछ भी ऐसा मुद्दा नहीं बचेगा कि वो सरकार को घेर सके, खासकर ईंधन के मामले में, क्योंकि आज बिना पेट्रोल के, बिना डीजल के जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। बिना पेट्रोल, बिना डीजल के देश रुक जाएगा, देश की व्यवस्था रुक जाएगी, देश का विकास रुक जाएगा। पेट्रोल और डीजल दोनों की ज़रूरत इस समय पूरी दुनिया को है, लेकिन अगर महंगाई बढ़ती है तो उसका असर भी लोगों पर पड़ता है। ऐसे में अगर ये फ्यूल, ये जो
एथेनॉल फ्यूल है, एथेनॉल जो ईंधन है, अगर हमारे आपके बीच में आ जाता है और प्रति लीटर अगर 30 से 35 रुपए की बचत होती है तो ये किसी भी परिवार के लिए, किसी भी इंसान के लिए बहुत बड़ी बचत है और उस बचत के पैसे का वो दूसरे प्रयोग में ला सकता है। तो आज ऐसे कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको सरकार ख़त्म करना चाहती है। विपक्ष के पास जोरदार मुद्दा भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो मुद्दे हैं, चाहे महंगाई हो, रोज़गार हो, कुछ कोई भी मुद्दा हो, उसको लेकर विपक्ष जो हमेशा से सरकार पर हावी रहता है। अब सरकार का फ़र्ज बनता है, जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकारें का फ़र्ज बनता है कि वो इन मुद्दों का भी निवारण करें। हालांकि विपक्ष के मुद्दे कभी ख़त्म नहीं होते हैं, विपक्ष का काम है मुद्दे बनाना, मुद्दों को लाना, लेकिन सरकार का भी फर्ज बनता है कि जो मुद्दे समाज के बीच में उठते हों उन मुद्दों का निवारण करना, चाहे महंगाई हो, रोज़गार हो, या देश से जुड़ा हुआ कोई मामला हो, हर मामले पर सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए और सरकार को उन मुद्दों का निवारण भी करना चाहिए। यही एक अच्छे राष्ट्र के लिए सबसे अच्छा रास्ता है विकास करने का, विकसित करने का। आज दुनिया में बड़े बड़े देश हैं, जहाँ कई ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने सबसे बड़े मुद्दे पर काबू पा लिया है। अगर बात करते हैं चीन की, चीन में जिस समय जनसंख्या जो है सबसे ज़्यादा गंभीर समस्या बनी हुई थी, लेकिन आज चीन ने जनसंख्या पर काबू करने के लिए अपना एक्शन शुरू कर दिया है, प्लान बना लिया है। लेकिन हमारे यहाँ पर जनसंख्या भी सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, लेकिन अगर इस पर बात की जाती है तो हमारे देश का विपक्ष सड़कों पर आ जाता है। कुछ तथाकथित शांतिदूत सड़कों पर तांडव करने लगते हैं, कुछ ऐसे देश की पार्टियाँ रोड जाम करने लगती हैं। मोदी सरकार को हिंदुस्तान का दुश्मन बनाने लगती हैं, लेकिन जबकि हम जानते हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई है इस समय हिंदुस्तान में तो वो है जनसंख्या, और जनसंख्या कानून को लाकर इस मुद्दे को भी ख़त्म करना चाहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा और देश में हर आदमी खुशहाल होगा। वरना देश की जनसंख्या बढ़ती रहेगी और हमारे जो पास जो व्यवस्थाएँ हैं वो सीमित होती रहेंगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि हम भी सीरिया, इराक, तुर्की की तरह आपस में ही मारकाट करेंगे, गृह युद्ध जैसा माहौल बनेगा। इसलिए ऐसे माहौल से बचना है तो हमें जनसंख्या नियंत्रण कानून पर लगाम लगानी होगी, जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करना होगा और सख्ती से लागू करना होगा। जो आदमी इस पर खरा नहीं उतरता है उसकी नागरिकता भी रद्द करनी चाहिए और उसको जेल में भी भेजना चाहिए। आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को भी शेयर करें। वीडियो को शेयर करते हैं तो सच और सच्चाई देश की जनता सामने पहुंचती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सख्ती से लागू करना होगा, जो आदमी इस पर खरा नहीं उतरता है उसकी नागरिकता भी रद्द करनी चाहिए और उसको जेल में भी भेजना चाहिए। आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को भी शेयर करें। वीडियो को शेयर करते हैं तो सच और सच्चाई देश की जनता सामने पहुँचती है। बहुत बहुत धन्यवाद।